गाइस, अगर आप भी अपनी वीडियो के लिए बहुत अच्छा थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में कैनवा पे यूट्यूब थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो बताया। हेलो गाइस, आज अपन सीखेंगे कि अपन कैनवा पे कैसे थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि कैनवा पे ट्यूटोरियल लाओ, कमेंट भी किया बहुत सारे लोगों ने कि कैनवा पे प्लीज़ ट्यूटोरियल लाओ बहुत जल्दी। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 500 सब्सक्राइबर पे ये ट्यूटोरियल कैनवा पे ज़रूर लूँगा। लेकिन एक ट्यूटोरियल में आपको पहले 500 सब्सक्राइबर होने से पहले ही मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एक दो जनों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि प्लीज़ इस पे तो आप बना ही दो। तो आज अपन सीखेंगे कैनवा पे यूट्यूब थंबनेल कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड है, जो जिसके पास अगर लैपटॉप या पीसी है जो मोबाइल में क्रिएट नहीं कर सकता है, तो वो यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से कैनवा पे आराम से थंबनेल क्रिएट कर सकता है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको थंबनेल क्रिएट करने में। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैनवा पे अपना साइन अप कर लेना है जीमेल से या किसी भी आईडी से, तो ये आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपको कैनवा पे क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पे आप ही अपन होम पे है उसके पास में आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, जिसमें सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम स्टोरी, फोटोज़, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, ट्विटर पोस्ट, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, मतलब ये सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। आपको सिंपल से क्लिक करना है रिकमेंडेड फॉर यू, ये मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है। ऑल योर डिजाइंस, यहाँ पर जो भी मैंने आज दिन तक क्रिएट करी वो सारी डिजाइंस मैं खुद भी थंबनेल कैनवा के अंदर ही क्रिएट करता हूँ। शेयर विथ यू, अगर आपको कोई शेयर करता है तो उसके लिए ब्रांड के क्रिएट आइटम, क्रिएट टीम और ऑल योर फोल्डर्स और ट्रैश, ठीक है। तो सब अपन को जैसे ही अपन कैनवा पे आएंगे तो अपन को आईडी क्रिएट होने के बाद अपन यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च कीजिए यहाँ पे, या फिर क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको देखो प्रेजेंटेशन, यूट्यूब आइकन, आइकन के लिए भी बोला था कि यूट्यूब आइकन कैसे बनाए, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, पूरा डायमेंशन आपके सामने होगा, आप उस हिसाब से बना सकते। मैं आपको सिखाना हूँ यूट्यूब थंबनेल, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो यूट्यूब थंबनेल आ गया, म्यूजिक यूट्यूब थंबनेल आ गया, ट्रैवल यूट्यूब, फूड ट्यूटोरियल यूट्यूब, बहुत सारे ऑप्शन है। कैनवा सबसे बेस्ट चीज़ लगती है, मैं खुद फोटोशॉप जानता हूँ फिर भी मैं कैनवा पे बनाता हूँ, क्योंकि कैनवा पे कम टाइम में सारा काम हो जाता है। तो आप यूट्यूब थंबनेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो यूट्यूब थंबनेल की जो साइज़ होती है उस साइज़ का आपके सामने पेज हो जाएगा। उसका टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स में ये सारे टेम्पलेट्स आप सीधा जैसे आप किसी पे भी जाओगे तो यहाँ पे फ्री लिखा होगा। जैसे फॉर यू के अंदर गए, यहाँ पे देखिए ये फ्री लिखा हुआ है, तो आप ये फ्री में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी पेड होगा वहाँ पे पेड या फिर इस टाइप का किंग वाला साइन होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आ गया, ठीक है। ये पूरा अब देखिए यहाँ पे कैनवा का आ रहा है, यानी कि ये प्रीमियम है, ठीक है। अब ये फ्री है, यहाँ पे आपने क्लिक करा तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ये बिल्कुल फ्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कैसे, इस पर क्लिक किया यहाँ पे गए और यहाँ से आप कलर कुछ भी ले सकते हैं। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि मैं कैनवा क्यों यूज़ करता हूँ। अधिकतर आप यहाँ पे देख रहे हो फोटो कलर्स, इसके अंदर इसने यानी कि ये जो मॉडल की जो इमेज है उसके अंदर कौन कौन से कलर है ये सब इसने निकाल के अपन को यहाँ पर दे दिए। तो ये फीचर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कैनवा के अंदर, कि आप जो भी इमेज यूज़ करोगे उसका वो कलर निकाल के दे देगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करने जाता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटो अपलोड करके जैसे मैं ऐड करता हूँ ये वाला, सिंपल सा क्लिक करना है और ऐड कर दिया। उसके बाद ये जो एरो की है, एरो से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा था कि कलर, जैसे आप कलर पर जाओगे तो ये देखो ये इमेज ली, इस इमेज के अंदर कौन कौन से कलर है वो सारे कलर इसने निकाल के दे दिए। आप और कोई इमेज लोगे, जैसे कलरफुल इमेज लेता हूँ मैं, ये कलरफुल इमेज ली मैंने, ठीक है। आप इसको छोटा करके कैसे भी रखो, फिर उसके बाद इसके अंदर कलर करना है तो वापस से कलर पे जाओ तो ये देखो जितने भी ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लू, सारे कलर उसने निकाल के दिए। ये मुझे कैनवा का सबसे अच्छा फीचर लगता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जैसे डिलीट करना है तो क्लिक किया डिलीट, ठीक है। यहाँ पे गए इसका कलर चेंज करना है तो आपने कलर चेंज कर लिया, जैसे ये कलर रख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्रॉप करना है, फ्लिप करना है तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया, फ्लिप वर्टिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद एनिमेट करना है तो एनिमेट, क्योंकि थंबनेल बना रहे अपन को वीडियो बना नहीं रहे, एनिमेट आपका वीडियो में होगा,
पोजीशन यानी कि इसके पीछे रखना है, बैकवर्ड रखना है तो बैकवर्ड चला गया, और बैकवर्ड तो और बैकवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये हो गया वापस है कॉपी स्टाइल, यानी कि ये वाली जो भी आपने इस पर कलर कर रखा है या कोई फॉन्ट टेक्स्ट का स्टाइल है तो वो कॉपी करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे लोड करने के लिए ये ओपेसिटी होगी आपकी इसकी, ये देखिए ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद कोई लिंक क्रिएट कर सकते हो, इस पर लॉक कर सकते हो। लॉक करने से क्या होगा, अब ये मूव होगा ही नहीं आपका, बाकी सब मूव होंगे जो लॉक नहीं है। लेकिन लॉक ये लॉक कर दिया तो वापस से लॉक खोलना है, ये लॉक खोल दिया, ठीक है। उसके बाद जैसा आपका ये क्रिएट, आप इसको मतलब ऐसा कैसा डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाओ, ये डुप्लीकेट पेज जैसे ही क्लिक करोगे डुप्लीकेट पेज बना देगा। आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए, नया चाहिए तो यहाँ पे ऐड पेज करोगे तो ऐड पेज हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका, ठीक है। टेम्पलेट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अपलोड्स के अंदर अगर आपको कोई अपनी इमेज करनी है, यहाँ पे अपनी इमेज डालनी तो आप अपलोड पे जाओ, वीडियो डालनी तो वीडियो, ऑडियो डालना तो ऑडियो, क्योंकि अपन थंबनेल बना रहे तो वीडियो ऑडियो का कोई काम नहीं, इसलिए अपलोड इमेज। फ़ोटोज़ में आप कैनवा की तरफ से जो जो भी फ्री फ़ोटोज़ है, ये सारे फ्री फ़ोटोज़ है, फ्री का मटेरियल, आपको नो कॉपीराइट इशू, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बिना कोई कॉपीराइट नहीं आएगा आपका, ये सब कुछ फ्री है कैनवा की तरफ से। एलिमेंट्स के अंदर आपको लाइन जो रेक्टेंगल करना है, कोई भी फीचर जैसे इस टाइप की इमेज हो गई, ये इमेज हो गई, इस टाइप की कोई इमेज आपको ऐड करनी है, ठीक है, ये ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ फ्री मिल जाएगा। लाइंस हो गई, शेप्स हो गई, कोई शेप है, कोई फ्रेम है, किसी फ्रेम के अंदर फ़ोटो, तो इसका एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने ये फ्रेम क्रिएट करी, अपलोड के अंदर गए, मैंने ये इमेज ली, अब इसे इमेज को इस फ्रेम के अंदर जैसे ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी, आपको क्लिपिंग मास्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शेप के अंदर क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको, चार्ट्स मिल जाएंगे, ग्रिड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, इतनी सारी, ये सब कुछ फ्री है। उसका टेक्स्ट में आओगे तो टेक्स्ट में बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको, अलग अलग टाइप के टेक्स्ट, ये सारे फ्री टेक्स्ट है, ठीक है। आपको और जाना है तो यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर दो तो और मिल जाएंगे, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप। एलिमेंट्स के अंदर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो ये देखो, बॉर्डर, स्लाइडर, एरो चाहिए तो एरो, उसके बाद यहाँ पे फायर था, फायर क्लिक करोगे तो सारे फायर के एलिमेंट्स, ये सब कुछ फ्री है। ये देखो, ये तो सही नहीं, ये प्रो, ठीक है, ये प्रो है, लेकिन ये फ्री है, ये फ्री है, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। ऑडियो ऐड करना तो ऑडियो, वीडियो बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा और टेक्सचर आ जाएंगे, ये सारे टेक्सचर आपके फ्री है, ये टेक्सचर आपका फ्री, बहुत बहुत सारी चीज़ें फ्री है। ये टेक्सचर ऐड करना तो ये टेक्सचर आपका फ्री है, ये टेक्सचर, सॉरी, ये फ्री नहीं, ठीक है। जो भी फ्री नहीं होगा वो यहाँ पर कैनवा की तरह ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ये यूज़ किया तो ये भी फ्री नहीं, ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री लिखा हुआ रहा है तो ये फ्री है, ठीक है। उसके बाद फोल्डर्स हो गए, फोल्डर में अपना कुछ भी काम नहीं, क्योंकि परचेज करना नहीं, लाइक करना नहीं। तो आप बहुत ही इजी तरीके से, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये फ्री लिखा हुआ रहा, आपने ये इस पर क्लिक किया, ये पूरा पूरा ऐड हो गया, बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना हो, जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हो, बस हो गया, 5 मिनट का काम है, और कोई भी ज़्यादा मतलब पेजामारी वाला काम कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप जैसे ही क्लिक किया, आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको इस इमेज को आप हटा दो क्योंकि ये प्रीमियम है, ये रहने दिया आपने, ये प्रीमियम नहीं है, वो पीछे वाला प्रीमियम था, उसकी जगह आप अपना ऐड कर दो, एटलीस्ट आपकी ये डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्रिएट होके आएगी, बहुत ही इजी। अगर आप ये फोटोशॉप में अगर आप क्रिएट करने जाओ तो ना तो आपको कलर कॉम्बिनेशन, कलर यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे ये जाके कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर रखना हो कलर रख सकते हो। फ़ोन पे क्लिक किया तो फ़ोन में आप यहाँ से फ़ोन चेंज कर सकते हो, सारे ये सारे फ़ोन पे साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, ये अलाइनमेंट सब कुछ चेंज कर सकते हो। आगे डॉट लगाना है नहीं लगाना है वो भी, लेटर के बीच में स्पेस, लाइन हाइट के बीच में स्पेस। इफेक्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको शेडो इफेक्ट, लिफ्ट इफेक्ट, हेलो, स्पाइस, इको, सब कुछ मिल जाएगा इफेक्ट के अंदर, ठीक है। पोजीशन आपको पता ही, ओपेसिटी मैंने आपको बता ही दिया, सब कुछ फ्री है, सब कुछ। मैं सबसे बेस्ट अगर थंबनेल के लिए लेके चलोगे तो कैनवा से बढ़िया मेरे को कोई चीज़ नहीं लगी। अब बात आती है, जैसे आपने ये बना दिया, अब आपको चाहिए कि डाउनलोड करना है फ्री में, तो आप डाउनलोड पे जाओ, यहाँ पे आपको सजेशन आएगा PNG, हाई क्वालिटी इमेज आपको मिलेगी फ्री, वो भी
ठीक है, जेपीजी भी फ्री है, जेपीजी लोगे तो आपको स्मॉल फाइल साइज़ मिलेगी, लेकिन हाई क्वालिटी इमेज पीएनजी बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे सारे पेज सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सा पेज चाहिए, जैसे पेज वन ही आपको डाउनलोड करना है, पेज वन पे क्लिक किया डाउनलोड पे, अगर सारे चाहिए तो सारे पे क्लिक करो डाउनलोड, सारे पे क्लिक करोगे तो एक जिप फाइल में बन के आ जाएगी, सारे पे क्लिक नहीं करो किसी एक पे क्लिक करके अगर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो गया बिल्कुल हाई क्वालिटी इमेज, ये देखिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।